सो अगर आपको डिस्क मेंटेन रखना है तो डिस्क फ्लूड कंटिन्यू करके भरते रहें हर 50,000 किलोमीटर पे, ताकि आपका ब्रेक लॉक ना हो। ध्यान से सुनिएगा गाइज, ब्रेक लॉक हो जाता है गाइज अगर आपका डिस्क फ्लूड ख़त्म हो गया तो। हाय गाइज, वेलकम टू द BikesWay। BikesWay के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ शांतन चौधरी और आज हम लोग जानेंगे कि डिस्क का फ्लूड होता क्या है, डिस्क के फ्लूड को कैसे मेंटेन किया जाए, डिस्क का फ्लूड अगर ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, डिस्क फ्लूड अगर ख़त्म हो जाए तो उसको अवॉइड क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको मैं बता दूँ, जिस किसी भी बाइक में अगर डिस्क हो तो उसमें डिस्क फ्लूड डाला ही जाता है। जब आप कंपनी से बाइक खरीदते हैं तो डिस्क फ्लूड 3 साल के अंदर उसका ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं डिस्क फ्लूड के क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर डिस्क फ्लूड नहीं डाला जाए तो उसके क्या क्या गैर फायदे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। गाइज, ये जो आप बॉक्स देख पा रहे हैं ये डिस्क फ्लूड का बॉक्स है, और आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें देखिए थोड़ा सा ये, इसमें थोड़ा सा आपको ऑयली सा नज़र आएगा, आप अपने बाइक में भी देख सकते हो। और इस दोनों को खोल करके, इसको नट को और इसको खोल करके इसमें फ्लूड इंजेक्ट किया जाता है 3 साल पर। मतलब कि अगर मैंने गाड़ी ली है 2017 में तो 2020 में जाके मैं इसको रिफ्यूल करूँगा, उससे पहले भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा किलोमीटर्स यूज़ करें। ये अराउंड 50,000 किलोमीटर पे रिफ्यूल किया जाता है। और इसके ये आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे अपने ब्रेक के वायर में जा रहा है। अब मैं बताता हूँ इसके फ़ायदे। ये जो देख पा रहे हैं उसके लिए अलग से एक पाइप है जो कि नीचे आता है, इसमें अलग से एक पाइप बना हुआ है जो कि नीचे आता है। और ये हाइड्रोलिक्स भी है, काम करता है। डिस्क फ्लूड यहाँ आपको पाया जा सकता है, यहाँ से भी आप रिफ्यूल कर सकते हैं उसको। मैं बता दूँ आपको खोल करके, ये जो है ये डिस्क फ्लूड का एक रास्ता है, इधर से भी आप डिस्क फ्लूड को इंजेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको डिस्क मेंटेन रखना है तो डिस्क फ्लूड कंटिन्यू करके भरते रहें हर 50,000 किलोमीटर पे, ताकि आपका ब्रेक लॉक ना हो। ध्यान से सुनिएगा गाइज, ब्रेक लॉक हो जाता है गाइज अगर आपका डिस्क फ्लूड ख़त्म हो गया तो। गाइज, यही था डिस्क फ्लूड, और डिस्क फ्लूड के फ़ायदे क्या क्या है मैं बताता हूँ। डिस्क फ्लूड अपने डिस्क को ना थोड़ा सा स्वेली रखता है, जिससे कि स्मूथ ब्रेकिंग होती है। और अगर आपका डिस्क फ्लूड ही ख़त्म हो जाए तो वो रफ़ हो जाता है, रफ सरफेस हो जाता है। गाइज, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर लद्दाख ट्रिप और आप लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं तो आप अपने डिस्क को ज़रूर मेंटेन में रखें। डिस्क के फ्लूड को चेक करें, उसके डिस्क के शूज़ को चेक करें कि वो पूरा घिस चुका है या अभी मेंटेन है। ये सब चीज़ करने के बाद ही आप लॉन्ग राइड्स पे निकले, माउंटेन राइड्स पे निकले। अगर वहाँ आपका ब्रेक लॉक होता है तो सोच सकते हैं आप क्या हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड था, उसका 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे एक्सीडेंट हुआ था। उसका बस वो लकी था जो उसने अपनी ज़िंदगी बचा ली, बट उसका एक्सीडेंट जो हुआ था उसका डिस्क फ्लूड ख़त्म हो चुका था और उसके बाइक के ब्रेक को स्वेलिंग नहीं मिल रही थी। स्वेलिंग ना मिलने से उसके बाइक का ब्रेक लॉक हो गया। तो सोच सकते हैं अगर आप 110 के स्पीड से चल रहे हैं और आपका डिस्क फ्लूड ख़त्म हो जाए और फिर आपका ब्रेक लॉक हो जाए तो आप क्या करेंगे वहाँ पे। सो गाइज, इसको अवॉइड ना करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें गाइज बेल बटन के साथ, ताकि आपको मिल सके पहला नोटिफिकेशन।